सो हे गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो आज से मैंने ले लिया है डेली ब्लॉग चैलेंज। आई डोंट नो मैं इसे पूरा कर पाऊंगा या नहीं, बिकॉज हमारे डेली लाइफ में कब क्या होता है हमें खुद पता नहीं होता, बट जितना भी पॉसिबल होगा वो सब मैं आपसे शेयर करूंगा। बाकी लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली है, कुछ नई नई चीज़ें होने वाली है, तो वो सब मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और साथ के साथ मेरी एक मेमोरी भी बनती रहेगी। सो आज से डेली ब्लॉग आना स्टार्ट हो जाएगा। डेली रात के 8 बजे आपका इस ब्लॉग पहुँच जाएगा। सो जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ब्लॉग की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। सो अभी फिलहाल टाइम हो रहा है 8:37। सो मैं रेडी हो गया स्कूल के लिए। वैसे तो स्कूल की छुट्टी है बट कुछ इंपॉर्टेंट वर्क है मुझे तो जाना पड़ेगा। सो अभी निकलते हैं स्कूल के लिए, मिलते हैं आपसे बाद में। सो गाइज, अभी हम आए हैं बाल गणना के लिए, जो हर साल हमारे स्कूल को एक प्रोजेक्ट मिलता है। सो जिसमें हमें लोगों के घर घर जाकर ये पता करना होता है कि कौन से बच्चे स्कूल जाते हैं, कौन से बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, कौन से ड्रॉप आउट है। सो ये रिकॉर्ड हमें अपने स्कूल की तरफ से भेजना होता है। सो कहीं पर रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है, कहीं पर लोग पूछते भी नहीं है, कहीं पर तो लोग बच्चे होने के बावजूद ही मना कर देते हैं, शायद उन्हें लगता है कि हम बच्चे उठाने आए हैं। बट कोई नहीं, हमारा ड्यूटी हम कर रहे हैं। रिस्पॉन्स बर्डन टाइप का हो गया है, पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि ये तो लोगों की जिम्मेदारी सामने से होनी चाहिए। सो लोग कोई तो सपोर्ट करते हैं, कोई नहीं करते हैं, बट हमारी ड्यूटी हम कर रहे हैं, देखते हैं बाकी जैसा भी होता और है। 10:30 हो गए हैं, हमें भूख भी लग रही है। क्यों दीपक सर? बिल्कुल। सो इधर आप देख सकते हैं, ये हमारे स्कूल के आसपास की सोसाइटी है। सो यहाँ पे बस बेल बजा के लोगों का इंतजार करना पड़ता है कब वो बाहर आए और हमें अपनी डिटेल्स बताए। इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत, देखो पसीने आ रहे हैं। स्टार्ट करो कहीं से। सो आप देखते हैं हर घर में एक डॉगी वैसे ही होता है जो हमें देखते हैं भौंकने लगता है। कुत्ते भी नहीं चाह रहे हम यहाँ पे आए। सो ये पीछे ही आप देख सकते हैं हमारे स्कूल की बिल्डिंग है वो। सो वो स्कूल की बिल्डिंग है और ये आसपास का एरिया है। तो हम हर बार यहीं से शुरुआत करते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। सो जितना एक दिन में कवर हो सकता है उतना हम करेंगे, बाकी देखते हैं क्या होता है। सो ये हमारे स्कूल के आसपास की ऊपर देख सकते हैं कुत्ते भौंक रहा है, पता नहीं लोग इतने कुत्ते पाल लेते हैं। सो ये हमारे स्कूल के आसपास की सोसाइटी है और यहीं से हमने स्टार्ट किया है। सो ये सारे घर में एक ना एक कुत्ते हैं जो भौंक रहे हैं और हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं, वो देख सकते हैं आप ऊपर। सो ऐसे ही हर घर में जाके हमें बेल बजाना पड़ता है और वेट करना पड़ता है कोई बाहर आए और हमें अपना नाम पता बताए। বাচ্চা রয়েছে 3-18 বছরের মধ্যে তোকে আধার কার্ডটা নিয়ে আসো, একটু বাল গণনা হচ্ছে না। আরে ব্যাঠেঙ্গে নি, বাস কর দো। আধার কার্ড লেকে আও না, আধার কার্ড। सो गाइस, कुछ लोग तो बच्चे होने के बावजूद भी मना कर दे रहे हैं। शायद उनको हमसे डर लग रहा है कि हम बच्चे उठाने ना आए हो। सो ऐसा रिस्पांस मिलता है कहीं कहीं पे हमारे एरिया पे, बट कोई ना, अपना काम हम कर ही रहे हैं। आपका घर कहाँ पे? कितने साल के हो आप? कितने साल के हो? आधार कार्ड है आपका? नहीं बना आधार कार्ड? आधार कार्ड ले आओ अपना, जाओ। भाई बहन है आपका कोई? भाई बहन है, अपना आधार कार्ड ले आओ, जाओ। ये वाला घर तो ये बना हुआ है ना, इस घर में है कोई? ये भी नया घर लग रहा है मेरे को। अरे चुप हो जा, देखो कुत्ते को चुप कराना आता है। ले ले। सो यहाँ पे हमारे दिग्विजय सर ट्राई कर रहे हैं कुत्ते को चुप कराने का, एक निंजा टेक्निक है सर के पास। वैसे अच्छा लग रहा है ना, क्यूट लग रहा है ना डॉग ये। ओ बाप रे बाप, इतने बड़ा चोर का मौका। और करार इतना और जल्दी कुत्ते से और करा लो। हाँ ये गाइस आपको काट भी सकते हैं, बड़े खतरनाक कुत्ते होते हैं। ये देख लीजिए कैसे गुर्रा रहा है, ये दिखने में क्यूट है लेकिन है डेंजर ये। वो तो चेन से बंधा हुआ वरना खा जाता है। हाँ वो तो हाथ मत लगाना, हाथ काट लेगा सीधा वो। बाप रे, तुरंत बस पोज बना रहा है वो, देखो हाथ खड़ा कर रहा है ना बस कब का। सो ये दिग्विजय सर ने बैल बजा दिया, अब देखते हैं कब तक बाहर आते हैं ये। सो हर घर का यही सीन है, बस बैल बजाओ और खड़े रहो। बजेगा नहीं क्या? ना ना। आ रही है यार, यही से चल देंगे दोबारा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
करो, नदी पार करो, बस हो गया। अठारह बस नीचे। हेलो सर, तीन ते अठारह बस तक तीन चार बच्चा ना कांतरा कट छजन हाथे धुल रही से यार वैली नहीं है बच्चा रही से ना। तीन बस तो अठारह बस पर तो तीन बस ते अठारह बस मध्य बच्चा रही से। सो गाइस, हमने ऑलमोस्ट 90 फैमिली कवर अप कर लिया है और अभी हम काफ़ी थक चुके हैं। सो हम वापस जा रहे हैं स्कूल की तरफ। बाकी एग्जॉस्टेड, वी डोंट हैव एनी एनर्जी टू स्पीक। यस यस यस, अभी ना बोलने की ताकत बची है ना चलने की, और बस कुछ खाने का मन कर रहा है और रेस्ट करने का मन कर रहा है। काफ़ी ज़्यादा दीपक सर भी थक गए हैं। 90 फैमिली कवर अप करना दोस्तों एक दिन में, क्यों दीपक सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल, ये कोई आम बात नहीं है। और कैसा रिस्पांस मिला ये सर से ही पूछ लो। सर कैसा रिस्पांस मिला? सो अधिकतर मैक्सिमम फैमिली को ये लग रहा है कि हम लोग वैक्सीनेशन कर रहे हैं यहाँ पे, सो थोड़ा लोग घबरा भी रहे हैं, बट कोई नहीं, जैसा था नया एक्सपीरियंस था हमारे लिए। सो बाकी जो फैमिली है वो हम कल परसों कवर अप करेंगे, आज के लिए इतना ही। सो बाकी मिलते हैं आपसे बाद में। सो गाइज, जस्ट अभी मैं घर पहुंचा हूं और अभी टाइम हो रहा है 1:46। वैसे आज लीव का टाइम था तो जल्दी पहुंच गए, नॉर्मली मैं वही 2:30 तक घर पहुंचता हूं। सो जैसे मैं घर आके मैंने देखा कि यहां पे ये सारा सामान रखा हुआ है, ये सारा सामान हमने लगवाया था दुर्गा मंदिर पे। सो ये सारा सामान खुल के वापस आ चुका है और ये मेरी फ़िलहाल एकेडमी है और यहीं पर सारा सामान रखा हुआ है और ये सारा सामान मुझे फिलहाल हटाना पड़ेगा यहाँ से। बस अभी मैं कुछ ही टाइम रेस्ट कर पाऊँगा, खाना खाना है और थोड़ा रेस्ट करना है, और थोड़ा टाइम बाद टाइम हो जाएगा एकेडमी का, ड्राइंग वाले बच्चे आ जाएंगे, फिर डांस वाले बच्चे आ जाएंगे। तो मेरी लाइफ डेली ऐसी ही चलती है, स्कूल से घर आने के बाद बस एक घंटे का टाइम मिलता है और उसके बाद क्लासेस शुरू हो जाती है। सो बस अभी मैं थोड़ा रेस्ट करता हूँ और सोचता हूँ क्या करना है इन सब का, कहाँ रखना है इसको। सो गाइस, करते हैं अभी लंच, देखते हैं लंच पे बना क्या है। सो ये क्या है, ये पता नहीं क्या है। ओके, तो ये है दाल और चावल। सो दाल चावल। अनुश्री जल्दी नहीं आ गई तू? हाँ हाय कर। सो गाइस, मैं कुछ टाइम के लिए सो गया था और अभी उठा तो ये बच्चे आ गए हैं और ये सारा सामान अभी तक ऐसे ही रखा हुआ है, तो हटाने का टाइम तो मिला नहीं। सो अभी हटाना पड़ेगा, मैं और अनु मिलके हटाएंगे, ठीक है? ओके। सो गाइस, इसको हटाना तो है बट प्रॉब्लम ये है कि मेरे घर में इतना स्पेस कहीं पे नहीं है जिसको मैं इसको भी रख पाऊँ। सो हम दोनों यही सोच रहे हैं कि इसको रख के, मतलब हटा के रखे कहाँ, कहाँ रखे? तेरे घर ले जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं, जगह नहीं मेरे। सो करते हैं कुछ इसका इंतजाम, एक काम करते हैं रास्ते में रख के आते हैं मेन रोड पे। सो गाइस, इसका तो जुगाड़ हो चुका है, यहाँ पे मैंने अपने काउंटर के ऊपर रख दिया उसको, और अब बारी है इन कपड़ों की। और दो स्टूडेंट्स अब तक पहुंच चुके हैं, बाकी आते ही होंगे, तो उनके आने से पहले इसे हटाना पड़ेगा। सो गाइज, ऑलमोस्ट हमने एकेडमी क्लीन कर दिया है, आप देख सकते हो। सो अभी कॉल आया डिलीवरी वाले का, मैंने कुछ मंगा रखा था फ्लिपकार्ट अमेजोन से, तो मुझे नहीं पता क्या आया, क्योंकि मैंने तीन चीज़ें मंगा रखी थी। एक माइक जो आप देख रहे हो, सो ये तो कल आ गया था, बाकी दो चीज़ें और हैं। सो देखते हैं, आई होप ट्राईपॉड होगा। क्या है? ट्राईपॉड है ना? पहुँचे नहीं अभी तक, निकल नहीं तो बोल रहे 3 बजे निकलते हैं, 4 बजे तक भी नहीं पहुँच पाते हैं। तूने कहाँ बनाया टमाटर नुश्री, दिखा अपना टमाटर। बीच के दो पूरे पत्ते ही लग रहे हैं, मतलब पहले से ही। कौन से वाले? ये इसमें वीडियो में। सो गाइस, ड्राइंग क्लासेस इज ओवर हियर नाउ, एंड एक हमारी प्यारी सी नई बच्ची आई है डांस के लिए, मनिका। बाकी डांस वाले बच्चे सभी आते ही होंगे, तो जब सारे बच्चे पहुंच जाएंगे तो डांस शुरू करेंगे। और आज हमने कुछ इस टाइप का वाटर कलर ड्राइंग सीखा है, सो बच्चा बच्चे ट्राई करेंगे, तो देखते हैं कैसा रहता है इनका रिस्पॉन्स। और यहाँ पे प्रीति ने ये बैकग्राउंड की प्रैक्टिस करी हुई है। बाकी मैं इस टाइम पर बल्ब्स में पोर्ट्रेट बना रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक एक कार्डबोर्ड में 2 फोटोज एक साथ बन रहे हैं ये। हाँ, तो यहाँ पे ये वाला पोर्ट्रेट और ये एक साथ दोनों बन रहा है।
क्योंकि दोनों ही इम्पोर्टेंट वर्क है और दोनों को ही जल्दी चाहिए, तो फिर दोनों एक साथ ही काम चल रहा है और ये ऑलमोस्ट 30 तक कंप्लीट करके दे देंगे उसको। ये आपका बैग है, ये आपका बैग है, ये कितने क्यूट है। ये देखिए यहाँ पे ना क्यूटनेस वाली बटन होती है, पता तेरे को यहाँ पे। मैं बटन नहीं हूँ। अरे आप बटन थोड़ी हो, वहाँ पे बटन होती है क्यूटनेस वाली, यहाँ पे समझे। सो गाइस कुछ इतने स्टूडेंट्स आ चुके हैं हमारे डांस वाले, और ये है छोटी हमारी सबसे बेस्ट डांसर, मेरी क्या बोलते हैं, मेरा भरोसा। और यह है मनिका जो आज फर्स्ट टाइम आई है, देखते हैं मनिका का क्या रिस्पांस रहता है। ये हर्ष, भावेश, ये सपना और पीछे निशांत, और एक दो बच्चे अभी आएंगे तो उनसे मिलवा देंगे आपको बाद में। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास अपनी, मिलते हैं आपसे एक घंटे बाद। सो गाइस क्लास सारे अभी फिलहाल ओवर हो चुके हैं और सारे बच्चे जा चुके हैं, खाली मनिका हमारे साथ बैठी है यहाँ पे, क्योंकि मनिका की मम्मी तक लेने उसको आई नहीं है। तो जब मनिका को पहले भेजते हैं, फिर उसके बाद कुछ पोर्ट्रेट वर्क है मेरे पास और मंडे को एग्ज़ाम भी है तो पढ़ाई भी करनी है, तो देखते हैं क्या करते हैं। सो गाइस अभी टाइम हो रहा है 8:56 और पिछले 2 घंटे से हम बना रहे थे अपने नए घर का मैप, जो फाइनली बन के रेडी हो चुका है। अभी मैं आपसे शेयर नहीं करूँगा, जब बन जाएगा तब आप देखना। सो अभी का प्लान है बस खाना खा के सोना। और तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।